मोबाइल लगा के, जैसे ये कितना नंबर है, वन है ना, तो इसको जिसके पास नंबर है वो प्लीज खड़े हो जाइए, यहाँ पे पिन लगा के देखिए कोई भी आप ध्यान से सुनिए हमारी बात, नहीं उसको हम बात कर देंगे। जब भी आपको क्लास में कुछ बताना है तो सभी को इन्वॉल्व करना है, पहली बात ये, ठीक है, सबको इन्वॉल्व करना है, ये नहीं कि कुछ ही लोगों को बुला करके उनको कराया काम खत्म, ऐसा नहीं, सभी उसमें एक्टिव रहे। खड़े हो जाओ, बिल लगाओ यहाँ पे, तुम अलग हो क्या, इसको दे दो, आओ इधर आओ, इसको दो, कितना नंबर है तुम्हारा, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 नंबर, 16 किसका है, सब अपना नंबर दिखाते रहे, आप ध्यान से सुनिएगा, वो सामने आ जाए, वो सामने आ जाए जो कि 60, अब हम आपको महत्तम समापवर्तक बता रहे, तो हम कोई भी संख्या दे रहे हैं 16 और 24, ठीक है, वो बच्चे इधर आ जाए जिनके पास वो जो नंबर है जो 16 को डिवाइड कर दे, आइए जो 16 को डिवाइड करने वाले बच्चे आ जाएं, और रेड कलर की एक सेकंड बाद में संख्याएं वाले बच्चे आ जाएं, आप इसके यूनिफॉर्म में लेकर आप कैसे यूनिफॉर्म वाले को दीजिए, वे बच्चे यहाँ आ जाएं जो उनके पास वो नंबर है जो 16 को विभाजित करेगा, ठीक है, आप लोग रेड सबको मिल गया, और इसको ऐसे दिखाइए, हाँ ऐसे करके दिखाइए, समझ में आ गया, अच्छा, अब वे बच्चे येलो कोटी उठा लें जो 24 को डिवाइड करता है,
आप लोग उठा सकते हो। वे बच्चे येलो को क्यों उठा ले जो 24 को डिवाइड करेगा। आइए बोलो तुम दोनों को डिवाइड के पास तो वे बच्चे खड़े हैं जो किसको डिवाइड कर देते हैं 64 हो गया ना। तो जो पहले हमने बताया था कि वे बच्चे आ जाएं जो 16 को डिवाइड कर दें तो वो क्या कहलाते हैं फैक्टर ऑफ 16 16 के अपवर्तक। अब ये जो खड़े हैं वो सब किसके अपवर्तक हैं 24 के अपवर्तक। ठीक। अब वे बच्चे खड़े रहे जिनके पास दोनों हैं वो खड़े रहे बाकी अपनी सीट पर चले जाए। आप कैसे आ रहे हैं अब वे बच्चे खड़े रहे जिनके पास और आप एक असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर एक नंबर पढ़ते हैं या बैठे एक नंबर खड़े बीच आप ऐसे आपको समझ में आया पहला जो था वो 16 के अपवर्तक थे जब हमने सबको खड़ा कर दिया 24 के अपवर्तक आ गए। अब ये कौन रहेंगे ये जो है 16 और 24 दोनों के अपवर्तक जिसे कहते हैं समापवर्तक। इसे समझ में आया अब इसमें से हमें बताइए महत्तम समापवर्तक क्या होगा। अब इसमें महत्तम का मतलब जो आठ है वो महत्तम समापवर्तक। समझ सबकी समझ में आ गया सबकी समझ में आ गया। अब आप लोग ये एक्टिविटी बनाइएगा करिएगा और जब आप कहीं टीचिंग में जाएं तो इसको करवाइएगा क्योंकि एक बहुत छोटी सी है वो ज्यादा नहीं। सबसे छोटा बहुभुज क्लोज होता है भुजाओं का वो शेप जो बंद आकृति का हो वो सबसे छोटा होता है त्रिभुज के चतुर्भुज पंचभुज षटभुज ऐसे आगे होता है कि नहीं ट्रायंगल रेक्टेंगल ये होते ही नहीं। हमें ये अब आपको खेल से ये बताएंगे कि इनके जैसे ये क्या है त्रिभुज है ये चतुर्भुज है ये पंचभुज इस सब के बाह्य कोण ये हैं ठीक है ना। इस सब के बाह्य कोण हैं हम इसको ये खेल से ये बताएंगे कि इनका बाह्य कोण का कोई भी बहुभुज ले ले कोई भी पॉलीगन ले ले उनका सम क्या होता है 360 होता है। तो हमारे पास इस समय कुछ काटना आटना नहीं है हमारे पास है एक कोई भी आ जाए जल्दी से आप ही बताओ। देखिए सबसे पहले ये देखिए ये तीन है ना ये तीन इसके बाहर कोण है तो हमने जो है लगा बटन अभी आप लोग को ये हो जाएगा अंदर डाल ये वो बटन ये जो है आप इसमें ये नंबर वन पढ़ा है ना तो नंबर वन लेके चुपो जल्दी से आपको अच्छा लगेगा अभी हम दिखाएंगे कोई जाएगा नहीं अभी
दो मिनट और रुक जाओ, है ना, इसमें लगाओ, देखो वन है ना, तो वन में लगाओ। ये बच्चों को ऐसा ना ग्रुप में करा के सिखाना होता है, जिससे कि जो करके सीखोगे ना, तो ये जो है ना रोज का काम नहीं है, किसी एक दिन ऐसा रखे कि हम एक्टिविटी ही कराएं इसे, ठीक है। अब जो कि पार्ट बचे हैं ये क्यों लगा दिया इसमें, देखो बच्चों ये हमारे, हमने इसको एक ही रेडियस से इसका आर्क लगा के और हमने इसके तीन टुकड़े काट के ऐसे लगा दिए, ठीक है। और इसको हम निकाल करके, तो निकाल करके जब हम यहाँ बनाएंगे तो क्या बनेगा, जल्दी से बनाएंगे, इसी को जब हम निकाल के जब हम इसको जोड़ते हैं तो पूरा क्या हो जाता है, सर्कल बन जाता है। इसको वीडियो रिकॉर्डिंग कर दो, वन है ना ये, वन आ जाओ बेटा, तुम आ देखिए, ये देखिए, इस तरह से बच्चों को बताएंगे तो बहुत अट्रैक्टिव लगेगा, समझ में आ रहा है ना कि, और क्लियर हो जाएगा। एक और बता देते हैं आपको जल्दी से, आइए आप आइए, नृत्य बताइए। जैसे वन है तो वन बच्चे को, एबीसी है ये, तो एबीसी है, थोड़ा सा रुकिए, इसका एबीसी लगाओ और फिर एक एबीसी लगाओ। तो ये जो है ट्रेनिंग में आपको काम देगा और आपको किसी तरह से मैथ्स सब्जेक्ट को क्लियर करने के, आपको इस तरह से बताना चाहिए कि बच्चे के दिमाग में बिल्कुल, आप अपने तरीके से भी एक्टिविटी बनाइए, अच्छा बच्चों। देखो इस तरह से, देखो आया कि नहीं आ जाएगा। तो इससे हमें प्रूफ करने के लिए ये हमें कई पॉलीगन लेने पड़ेंगे, कई पॉलीगन लेके तब हम प्रूफ करके बताएंगे कि कोई भी पॉलीगन ले उसके जो एक्सटर्नल एंगल्स होते हैं उनका जोड़ 360 होता है। इसको भी बना दीजिए जल्दी से, फिर आप Thank you.
खाना है क्या सर? आज हम 8th क्लास के राइट सर्कुलर सिलेंडर के वॉल्यूम के द्वारा राइट सर्कुलर कोन का आयतन निकालना बताएंगे। हम कार्ड पुराने कार्ड से एक ही ऊंचाई के एक ही आधार के एक बेलन जिसे राइट सर्कुलर सिलेंडर और एक राइट सर्कुलर कोन बनाएंगे। देखिए जैसे कि ये मैंने बनाया है। अब हम इसके साथ एक तो ये हमने प्रयोग किया है दफ्ती का और ये चिपकाने का सामान यूज़ किया और कोई भी सामान ले सकते हैं, बालू है, नमक है, ऐसी चीज़ जो बुरी बात। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो है बिल्कुल समान हाइट का और समान उसका हमने बेलन, लंबवृत्ति बेलन और लंबवृत्ति शंकु लिया। अब देखिए इसको हम कैसे इसका इस कोण का हम आयतन निकालेंगे। देखिए इसको हमने पूरा ऊपर तक भर लेते हैं इसको और इसमें एक बार डाला, बच्चों को बताएंगे देखो हमने इसे भर के एक बार डाला। इसी प्रकार इसको पूरा भर लेंगे एकदम और इसको इसमें डाल देंगे। इसी प्रकार हमें इसको भर के इसको इसमें डाल देंगे। तो बच्चों को ये बताएंगे कि बच्चों देखो इसमें हमने इसको तीन बार भर के इसमें डाला तब ये सिलेंडर भरा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस कोन का इस कोन को जब हमने तीन बार डाला तो तब ये पूरा भरा। तो इसका मतलब कोन का जो आयतन है वो सिलेंडर के आयतन का एक तिहाई है। सिलेंडर का आयतन क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। तो कोन का आयतन क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इससे हम प्रैक्टिकल के थ्रू बच्चों को समझ बताएंगे कि अक्सर लिख लेते 1/3 पाई आर स्क्वायर एच रट लेते हैं लेकिन उनको पता नहीं है आया कहाँ से। तो हमें इक्वल हाइट के और इक्वल एरिया के सिलेंडर और कोन बना के उनको किसी भी वस्तु से, बारीक वस्तु से, जिसमें मतलब बारीक बारीक वस्तु से उसको तीन बार जब डालेंगे तो ये पूरा भर जाता है। इससे ये पता लगता है कि इस बेलन का आयतन तो इसका तीन गुना होता है लेकिन हमें इसका आयतन मालूम है। तो इसका मतलब कोण का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 भाग होता है यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब क्लास में शिक्षक उसको कोण बनाना बताए कि हमने इक्वल हाइट का और इक्वल एरिया का कोण कैसे बनाया और बच्चों को क्लास में इससे बनवा के उनसे खुद करवाए। तो इससे बच्चों को उसका एकदम हर चीज़ पूरी क्लियर हो जाएगी, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। सभी बच्चे जानते हैं जब उनके घर में कोई मेहमान आता है तो दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं, जोड़ने का मतलब ही होता है मिलाना। तो इस प्रकार हम बच्चों को गिट्टी, पत्ती, पेंसिल, रबड़, गोटी, इन सब से हम एक पहले हम एक एक करके उन्हें मिलाकर जोड़ बताना बताएंगे। हम बच्चों को जोड़ बता चुके हैं पहले लेकिन आज हम उसके मूल्यांकन देखेंगे कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं। तो उसके लिए मैंने कुछ
वही शादी के कार्ड से टीएलएम तैयार करे हैं। अभी मैं दो ही सैंपल है मेरे पास। तो इस तरह से बच्चे थोड़ा सा अट्रैक्ट होते हैं खेल खेल में, तो उनका हमने इस तरीके से जो है बनाया है। और इसको बच्चों को ब्लैंक दे देंगे, 8-10 बनाने के बाद ग्रुप बना देंगे और बच्चों को ये हम बांट देंगे। और फिर बच्चे पहाड़ा जान गए हैं तो बच्चों से कहेंगे नीचे तीन का पहाड़ा लिख के उसको 6-5 बार लिखो। और उसके बाद लिखने के बाद फिर इन दोनों को मिला के जोड़ जोड़ के वो ऊपर तक पहुंचेंगे। जब हम इसे ग्रुप में बांट देंगे तो बच्चों का देखेंगे कि कौन सबसे पहले करके लाता है। तो इससे बच्चों की गति, जोड़ में गति भी आएगी और जोड़ की समझ भी का भी मूल्यांकन हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी बना सकते हैं और ये भी बनाया है। तो इस प्रकार से हम बच्चों को जोड़ के मूल्यांकन के लिए ये गतिविधि हमें कराएंगे। तो बच्चे वाकई में इस पे खुश होंगे और खेल खेल में सीखेंगे, उनकी समझ पक्की होगी। आज मैंने बच्चों को एक और चीज़ का लिए मूल्यांकन के लिए मैं ये कार्ड्स लाई हूँ। जैसे कि किसी दिन पढ़ाने का मन नहीं हो रहा है, अब बच्चों को हमने आधा, चौथाई, एक छठा भाग, सातवां भाग, किसी का पूरा भाग की समझ को बता दी है। तो इसके लिए भी हमने ये एक TLM तैयार किया है कि बच्चों को कई सारे ये 10-10 या कितने भी कार्ड हम इसको बना सकते हैं और ग्रुप में बांट करके बच्चों से कहेंगे इसको लगाओ। तो इससे ये शिक्षक ये पता कर सकता है कि हाँ, जो हमने पढ़ाया है उसको उसकी समझ हो गई है कि नहीं। जैसे कि ये एक शेप में है और शेप में ये जो है इसका लिखा हुआ भिन्न के रूप में है। तो इस तरीके से हम, जैसे ये पूरा भाग है तो हम ये पूरा पूरा ढूंढेंगे, ये पूरा लग गया। 2/5 तो बच्चा इसमें पहले ढूंढेगा। 2/5 का मतलब जिसमें 5 हिस्से कर रहे हो बराबर और उसमें 2 कवर किया हो। तो इस तरीके से जो है ये जैसे मिला तो ये 2/5 हो गया। 1/6 यानी कि जिसके 6 बराबर भाग हो और एक हिस्सा रंगा हो, तो ये हो जाएगा। 2/3 2/3 का मतलब ये हो गया कि 3 हिस्से का बराबर भाग में 2 हिस्से रंगे हों। तो ये बच्चों को अगर बता दिया है तो ये आप शिक्षक इससे जो है इसका मूल्यांकन कर सकते हैं कि वो उनकी समझ में आया कि नहीं। और इस तरह से जब कराएंगे तो वो खेल खेल में उनकी समझ पक्की हो जाएगी। अब जैसे ये 3 है, 3 भाग रंगे हैं तो और कितने भाग है, 8 भाग पूरे बराबर बने, तो 3/8 ढूंढ के अगर बच्चों को समझ होगी तो वो तुरंत ये लगा देगा। और इस तरह से अब आया, चाहे वो इधर लगाए चाहे उधर लगाए, मतलब उसको समझ में होना चाहिए। अब जो है हमें लगाना है ये जैसे 3/4, तो इधर का मिल गया। इसमें नहीं मिल रहा 5/6, तो ये इधर का मिल गया। 1/2 हो जाएगा, ये आ जाएगा। और इस तरह से ये है, 3 भाग इसके रंगे हैं तो बच्चा देखेगा बराबर के कितने भाग है, 8 है, तो वो तुरंत जो है इसको ढूंढेगा 3/8। 3/8 ढूंढेगा इसमें। और इस तरह से 1/4, तो कुछ गलत करके कि कहीं गलत लगा दिया तो उसे हटाएगा। तो जैसे हमें भी ढूंढने में लग रहा है टाइम, तो वो भी करके सीखेगा लेकिन ये पूरा उसको कर लेगा। जैसे 1/4, ये 1/4 है और ये, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये बच्चा जो है ये उसकी समझ पक्की हो जाएगी। हिस्से वाला जो उसका जो पार्ट है वो पक्का हो जाएगा, उसको पूरी समझ हो जाएगी कि हाँ, नीचे वाला जो होता है वो उसके पूरे भाग होते हैं और ऊपर वाला जितना भाग भरा हुआ है वो पूरा होता है। तो इस तरह से हम बच्चों में ये समझ पक्की करने के लिए इस तरह का हम TLM तैयार करके बताएं तो बच्चों की समझ पक्की होगी। संख्या और संख्याओं की समझ के लिए एक TLM तैयार किया, वो भी पुरानी शादी के कार्ड से, कि बच्चों को संख्या और संख्यांक की समझ है कि नहीं। उनके लिए हमने एक ये, इसको गेम का नाम है डोमिनोज, नंबर संख्या संख्यांक का डोमिनोज, ये नाम देकर इसका एक खेल बनाया और बच्चों से कहा
कि अब इनमें तुम इस प्रकार के कई सारे कार्ड दिए हैं, अब इधर संख्यांक लिखिए और इधर संख्या लिखिए। अब इस तरह से तुम आप एक तरह से पूरी लाइन बनाओ कि जिससे हमें जिससे ये समझ में आएगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं संख्या और संख्यांक क्या होता है। तो देखिए इस तरह से बनाया, जैसे ये एक है तो एक ये जो है संख्यांक है और इसका ये संख्यांक है और ये हो गई एक को मिला दिया ये संख्या। अब जैसे ये तीन है, तीन यहाँ पे ये संख्या है तो इसका संख्या का अंक क्या है, ये तीन है। इस तरह से मिलाया, ये छः है, छः ये संख्या है और ये इस तरह से बच्चे खेल खेल में करके सीखेंगे, गलत करेंगे सही करेंगे और जब करके सीखेंगे तो उनकी समझ जो होगी वो पूरी पक्की हो जाएगी। उनको जो है जैसे ये आठ है, आठ का ये संख्यांक ये हो गया, ये बच्चे गिनेंगे ये कितना है, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दस का ये संख्यांक ये है। अब ये चार ये संख्यांक है तो उसको देखेंगे कि कहाँ पे जो है चार का वो है, तो इस प्रकार से वो जो है लगाएंगे। अब ये जैसे नौ है तो नौ का ये हो गया संख्या। इस प्रकार से बच्चे इस तरह से बच्चों को ग्रुप में बांट देंगे और बांट कर ये ग्रुप को दे देंगे और कहेंगे इसको देखे कौन पहले बनाता है और उसका जो है उसको फिर हम लोग क्लैपिंग कराएंगे या बच्चों को ट्रॉफी देंगे उत्साहित करने के लिए। तो इसमें बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे और उनकी समझ जो है पक्की हो जाएगी। क्योंकि ये समझ है कि गणित एक कठिन विषय है, लेकिन गणित एक कठिन विषय नहीं है। कठिन इसलिए लगता है क्योंकि उसके अवधारणा जो बताया जाता है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। सबसे पहले तो हमें गणित पढ़ाने के लिए टीचर को बच्चों के साथ फ्रेंडली होना चाहिए और हर स्टेप पे उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए। जैसे कि मैंने एक शादी के कार्ड से ये संख्या और संख्याओं की समझ को बताया है। जैसे बच्चे होते हैं थोड़ा सा उनमें खेल कर देख कर अट्रैक्टिव चीज़ देख कर वो उनको ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है समझने की। तो जैसे ही मैं आपको अभी संख्या की समझ के बारे में बताऊँगी, जैसे मैंने ये डॉल्स बनाई है, बच्चों को ये दिखा के हम कहेंगे ये कितनी डॉल है तो कहेंगे एक, एक में और एक और मिला देंगे तो ये अब हो गई दो। तो हम इसमें एक प्रकार की वस्तु है, ज़रूरी नहीं है कि डॉल ही लें, पेंसिल ले सकते हैं, एक प्रकार की पेन ले सकते हैं, रबर ले सकते हैं। तो ये हमने बताया एक में एक और मिलाया ये दो हो गया, ये दो नहीं है ये मिला के दो है। इसी प्रकार बच्चों को एक और डॉल मिला देंगे तो बच्चे बताएंगे, ये बच्चों को बताया जाएगा अब ये तीन हो गए, तीन का मतलब ये तीनों मिला के तीन, ये तीन नहीं है ये तीनों मिला के तीन। इसी प्रकार एक एक मिलाते हुए हम चार पाँच और छः इसी तरह से आगे की दस तक की नौ तक की संख्याओं का हम बच्चों को ज्ञान कराएंगे और बच्चों से ये बताएंगे कि ये जो हैं ये संख्याएँ हैं और जो हम उसको लिखते हैं एक और दो, जैसे तुम्हारा नाम की पहचान होती है इसी तरह से वो उनके संख्यांक होते हैं, उनकी पहचान के लिए उनको ये अंक दिया जाता है।